आज की हमारी रेसिपी है आलू चीला। आलू को छीलकर कद्दूकस कर लेंगे। अब हम इसको पानी में डालेंगे, अच्छे से इसको वॉश करेंगे और अब एक छन्नी से इसका सभी पानी निकाल देंगे। इसका हम पूरा पानी इस तरह से निकालेंगे और अलग एक बाउल में लेंगे इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, कॉर्नफ्लोर, प्याज, हरा धनिया। हम सभी मसाले इसमें डाल देंगे। हमने सभी मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच पानी डालेंगे। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू अपना काफी पानी छोड़ देता है, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा। हम इसको 5-6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। 5-6 मिनट में ये बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। 5 मिनट हो गई हैं, हमें ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। आपको अपना बैटर उसी हिसाब से रेडी करना है कि आप उसके चीले बना सके। तो अगर आपको ये ज्यादा थिक लगेगा तो आप इसमें थोड़ा सा उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। हमें बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है, लेकिन इतना हो कि हम इसके इजीली चीले तैयार कर सकें। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तवा गर्म करने के लिए रखेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे चीले बनाएंगे, बहुत बड़े साइज के नहीं बनाएंगे। जैसे हम पैनकेक बनाते हैं उसी तरह हम छोटे छोटे साइज के बनाएंगे। उसको हम कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए जिससे अच्छे से पक जाए। अब हम इसको पलट देंगे, दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेकेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी इसमें बहुत अच्छा सा कलर आने शुरू हो गया है। तो हमारा ये तैयार हो चुका है। हमारा आलू चीला एकदम तैयार है, बहुत टेस्टी है, बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। आप इसको बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, शाम को स्नैक्स के टाइम पर भी बना सकते हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। देखते हैं हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं, ये हमने कच्चे आलू लिए हुए हैं। साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है, 1.5 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है, साथ ही हमने 1 छोटा प्याज लिया है जिसको हमने बारीक चॉप किया है, ऑयल लिया है, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला लिया है, हरा धनिया पाउडर, और साथ ही हमने यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली है जिसको हमने बारीक चॉप किया है।